you're going with that 43 you had. I didn't hear any, but I had jumped on my feet. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइकेडेलिक्स यानी हमारे दिमाग की एक भाषा को समझेंगे। साइकेडेलिक्स क्या होता है? कुछ साइकेडेलिक ड्रग्स जो हमारे ब्रेन को इतने बड़े लेवल पर कैसे एक विजुअल प्रोजेक्टर बना कर रख देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक इमेजिनरी मशीन बन जाता है, और कैसे कैसे हमारे पूरे एवोल्यूशन में ह्यूमंस ने इतनी ग्रोथ दिखाई है। सब्सक्राइब करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, साइकेडेलिक्स हमारे ब्रेन की एक ऐसी अवस्था है जो हमें हमारे ब्रेन को एक्सपेंशन की ओर लेके जाती है। मतलब जो भी हमने अभी तक के एवोल्यूशन से हासिल किया है, जिसकी वजह से इंसान ने घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, सड़कें, तरह तरह की मशीनें बना बना कर अपने हर काम को आसान करना, उस वक्त हमारे ब्रेन में ऐसे क्या फंक्शंस काम करने लगे थे कि बस कुछ लाख सालों में ही ह्यूमंस ने इतनी बड़ी ग्रोथ दिखाई है। पास्ट से लेके फ्यूचर तक की कंडीशनिंग हमारे न्यूरॉन्स की एक ऐसी भाषा जो इन सालों में बहुत बदली है, जो हमारे बायोलॉजिकल कंडीशंस, एवोल्यूशन, वार और आर्थिक समस्याओं से गुजर कर नई नई अवस्थाओं को स्वीकार कर रही है। तो दोस्तों, वो सारी वजहें जिसकी वजह से हमारे माइंड का इतना बड़ा विस्तार हुआ है, उसे हम साइकोडेलिक्स कहते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 40,000 से 1,00,000 सालों के बीच ह्यूमन की क्रिएटिविटी अचानक बढ़ी है, और इसका प्रूफ हमें साउथ अफ्रीका से लेकर फ्रांस की गुफाओं तक मिलता है। इन आर्ट्स में हमारे एंसेस्टर्स किसी इमेजिनेशन रिचुअल में शामिल होते थे, जिसकी वजह से वे इतने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स और सिंबल बना रहे थे। और इस एंशिएंट इरा में दोस्तों, इंडियन कल्चर में भी एक बड़ा शिफ्ट आया था, जिसकी वजह से इंडिया में भी लोग साइकेडेलिक्स को ज्ञानी होने का या फिर बोध प्राप्त करने का रास्ता मानने लगे। इस बात को कथा उपनिषद में भी समझाया गया है कि जिस तरह से लकड़ी के अंदर ही जलने का गुड़ होता है, और उसी तरह हमारे पास हमारे अंदर हमारे दिमाग को इमेजिनेशन की मदद से एक्सपेंड करने का गुड़ है, यानी जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। और इसी सोच के साथ हमें सिर्फ 400 सालों में कपिल मुनि, बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी और पतंजलि जैसे गुरु, जिन्होंने सिर्फ योगा का इस्तेमाल करके एक इमेजिनेशनल स्टेट को अचीव किया था, और ये साइकेडेलिक फेज का एक रेवोल्यूशनाइज हिस्सा था। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि इंसान खुद कैसे अपने अंदर सोमरस पैदा कर सकता है और हमेशा के लिए एक ब्लिसफुल स्टेट में रह सकता है, क्योंकि बाहर से सोमरस का असर कम होता है। दोस्तों, वेदों में सोमरस केवल भगवान ही पी सकते थे, लेकिन हमारे एंशियंट कल्चर के लोग, जैसे गोबेकली टेपे के कुछ लोग, कुछ पौधों को इकट्ठा करके उसे मसल कर एक ड्रिंक बनाकर भगवान को खुश करने की कोशिश करते थे, जिनमें उन ड्रिंक्स का नाम सोमा था। और इस एंशियंट कल्चर में सोमा का ट्रेड भी बड़े स्तर पे होता था। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेर और इजिप्ट, टर्की और गैन्यू टेपे में भी एक ड्रिंक बनाई जाती थी, जिसका नाम था हाओमा। इसे कई आर्कियोलॉजिस्ट सोमा का एक वेरिएंट ही मानते हैं, क्योंकि उसका यूज भी वही था। लेकिन हमारे अंदर खुद से जो सोमा बनता है, जो उन गुरुओं को एक एनलाइटमेंट स्टेट पर पहुंचाता था, वो सोमा डीएमटी के जैसा है, यानी डाइमिथाइलिन ट्रिप्टामीन, सेरोटोनिन मॉलिक्यूल, जो हमारे ब्रेन में जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब रिलीज होता है, उसके बिल्कुल सिमिलर है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे इमोशंस, मूड और परसेप्शन को रेगुलेट करता है। और डीएमटी, एलएसडी और मैजिक मशरूम्स ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और इलीगल हैं। कुछ ड्रग्स जो हमारे ब्रेन में अवेलेबल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही काम करते हैं, इसीलिए 1914 से 1960 तक साइकियाट्रिस्ट इस पर रिसर्च करने लगे, जिसमें इन्हें काफी सक्सेस भी मिली, और बाद में इन ड्रग्स को साइकेडेलिक्स ड्रग्स के नाम से जाना जाने लगा। इस साइकेडेलिक ड्रग्स जो माइंड को एक्सपेंड कर देने वाला था, इसे 1947 में एलएसडी को, यानी लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड को, कॉमर्शलाइज करके मेडिसिन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। उस टाइम पर इन टेबलेट्स को मेडिकेशन यानी हेडेक, माइग्रेन, पार्किंसन डिजीज के लिए यूज किया जाता था। लेकिन आगे चल के 1960 तक ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि साइकियाट्रिस्ट टिमोथी लैरी ने सिर्फ बच्चों, स्टूडेंट्स को एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन के रूप में इसे प्रमोट किया था। ऑफ कोर्स, अगर आपके पास एलएसडी और डीएमटी की टेबलेट है और आपके पास मिले तो आपको जेल भी हो सकती है, बट यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में टेबलेट्स का यूज
बाकी सभी कंट्रीज की तुलना में काफी ज्यादा है। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि साइकेडेलिक्स का इन ड्रग्स से क्या लेना देना है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से कुछ लाख सालों में ह्यूमंस ने इतनी बड़ी ग्रोथ हासिल की है, इमेजिनेशन के बल पर एक डिफरेंट टाइप का इमोशन और फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है, इससे हमारे न्यूरोलॉजी में बड़ा बदलाव हुआ है। उसी को फील करके एंशिएंट कल्चर में लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड बनाए थे। एग्जांपल के लिए अगर किसी पौधे से हेलुसिनेशंस हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं और उसका यूज और क्या हो सकता है, और अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से उन कंपाउंड में बड़े बदलाव किए जाते थे, जिसकी वजह से कुछ कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री को साइकेडेलिक्स की कैटेगरी में रखा जाने लगा। और अब ये साइकेडेलिक्स ड्रग्स आज के मार्केट में ऐसे ऐसे विजुअल दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अल्कोहल, टोबैको, कोकेन जैसे कंपाउंड को लेंगे तो आप एक सिर्फ डार्क हेलुसिनेशन में ही फंसोगे, यानी खुद को कंट्रोल न कर पाना, गहरी नींद जैसे सिर्फ इफेक्ट होंगे। लेकिन साइकेडेलिक्स ड्रग्स के यूज को जानने से पहले उसकी कैटेगरी क्या है इसे जानना जरूरी है, यानी डेटास के आधार पे वो सिक्योर है या नहीं उसे जानना जरूरी है। तो फार्माकोलॉजी द्वारा दिए गए इन बार्स से हम ये बता सकते हैं कि किसी ड्रग्स का इफेक्टिवनेस लीथल डोजेस से कितनी दूर है, यानी डोज जितना ज्यादा LD50 यानी लीथल ड्रग 50 से और TD50 यानी टॉक्सिक ड्रग 50 से दूर रहेगी उतनी ज्यादा सेफ रहेगी। यानी ड्रग अगर ED50 में है तो सेफ है। अब इस चार्ट में देखिए, ऊपर से चार ड्रग्स LSD, कैनबिस, मैजिक मशरूम्स और DMT एक सेफ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है। और अब हम उन साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में बात कर सकते हैं, इसमें LSD, DMT, मैजिक मशरूम्स और कैनबिस आते हैं। तो दोस्तों इन साइकेडेलिक ड्रग्स को लेने से आपकी इमेजिनेशन अचानक से बढ़ जाती है, आपको अचानक से एक मैजिकल दुनिया दिखाई देने लग जाती है। आप जिस तरह के सीन्स कैरेक्टर कभी कभी अपने दिमाग में देखा करते थे, वो सारे कैरेक्टर्स आपको रियलिटी में सिर्फ आपको दिखाई देने लग जाने लगते हैं। इसको सुनकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो होश में नहीं होता है? तो वेल, अचानक से ऐसे विजुअल्स देखने वाला हमारी तरह होश में नहीं होता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ब्रेन में जो विजुअलाइज होता है वो ऐसा ही होता है कि आपको डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट ज्योमेट्री शेप्स, कलरफुल चीजें दिखाई देती हैं। और इन सारे ड्रग्स का यूज सालों से हो रहा है, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट कुछ केसेस में इसे प्रिस्क्राइब भी करते हैं। शुरुआत में इससे काफी ज्यादा विजुअल डिस्टॉर्शन होता है और लगभग 12 घंटे तक इसके असर के साथ वो विजुअल डिस्टॉर्शन कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से आपको चीजें स्टैटिक नहीं दिखती हैं और आपके इमेजिनेशन पर स्पेशली इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि कुछ समय के लिए ही जैसे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, वो हाई इमेजिनेशन की वजह से आप अपने आप उस गाने का वीडियो खुद से क्रिएट करने लगेंगे और आप बिना किसी कंट्रोल के उस काम में इंक्लूड होते चले जाएंगे। मतलब आप जिस तरफ भी कुछ भी करने के लिए छोटा सा भी एफर्ट करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में एक नेक्स्ट लेवल इमेजिनेशन में इंक्लूड होकर कुछ भी करने लगोगे। जिस तरह से आपको अगर मुश्किल से भी कुछ याद आता है, लेकिन साइकेडेलिक ड्रग्स के बाद आप जबरदस्ती किसी भी तरह के सपने, विजुअल्स, मन में किसी भी तरह की चलते हुए इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड में चलते फिरते देखोगे। इसलिए अगर आपके बिलीव्स या कुछ भी जो आपको पसंद तो नहीं है लेकिन विश्वास है और आप अकेले हो और फिर अगर आपका दिमाग हल्का सा भी भटका तो आप उस दिन ट्रेलर की जगह पर पूरी पिक्चर देख लोगे और फिर बहुत बुरा डर भी सकते हो। इन ड्रग्स से चार तरह के हेलुसिनेशन केसेस नोटिस किए गए हैं। पहला ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी अगर आप एक एस्ट्रोनॉमर हैं तो आपको एलियंस आपके बारे में बातें करते हुए सुनाई दे सकते हैं। दूसरा टैक्टाइल हेलुसिनेशन, यानी जो चीजें वहां पर नहीं हो फिर भी आप उसे फील करने लगते हो, जिसमें आपके पास कोई भी घूमता फिरता दिखाई देने लगेगा जो असल में वहां पे नहीं है। तीसरा ओलफैक्टर हेलुसिनेशन, इस इफेक्ट से इमेजिनेशन की वजह से कुछ भी सूंघने लगते हो। एग्जांपल के लिए आप खा रहे हो सब्जी रोटी, लेकिन मन कर रहा है आलू के पराठे खाने का, तो आप सब्जी रोटी खाकर भी आलू के पराठे का मजा ले पाओगे। और चौथा पैरानोइया, मतलब इसमें लोगों को ऐसा लगता है कोई हर वक्त उसे देख रहा है, नजर रखे हुए है एकदम कैमरा लगाकर। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ये चारों हेलुसिनेशन अलग अलग टाइम पर होते हैं, ये चारों एक साथ आपके इमेजिनेशन के हिसाब से दिखाई, सुनाई और महसूस होने लगती है। लेकिन दोस्तों इन ड्रग्स को एज अ परमिट या फिर विदाउट लाइसेंसिंग लेना इलीगल है, क्योंकि इसके कॉन्स भी डार्क हैं। कई बार कुछ लोगों की इमेजिनेशन या माइंड पहले ही टॉक्सिक होती है, और अगर आप अकेले हो
LSD का यूज कर रहे हो तो आप नर्क की आग में जलने लग सकते हो और उसे फील भी करने लगोगे। हालांकि इसका ज्यादातर यूज डिप्रेशन से बाहर आने के लिए किया जाता है, ताकि आपको जो दिख रहा है कि आप अपने आप से बाहर निकलकर कुछ एंजॉय करें, जिसमें इसका यूज ज्यादातर पार्टीज में किया जाता है। लेकिन अगर आप घर में अकेले हैं तो इसका यूज आपके लिए अनकंट्रोलेबल है। कब कैसा सीन क्रिएट कर दे जिसकी वजह से बहुत से सुसाइड्स कुछ जरा शॉकिंग विजुअल देखने के बाद लंबे समय तक हेलुसिनेशन का शिकार, जिससे उन्हें सिर्फ 12 घंटे ही नहीं कई महीनों इवन कई सालों तक हेलुसिनेशन होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने साल साइकेडेलिक्स में हमें ये ताकत दी है कि हम उस वक्त जो भी जानते थे उन सब में इमेजिनेशन की वजह से सारी चीजें ब्यूटीफुल और आसान बनती आई हैं। ह्यूमंस का विकास इस दिमाग के विस्तार की एक कड़ी है। साइकेडेलिक ड्रग्स मजे के लिए कुछ वक्त के लिए आपको इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जा सकती है, लेकिन उन गुणों का यूज कर लेना जो हजारों सालों से कई विद्वानों ने एक हाई कॉन्शियस स्टेट में जाकर अचीव करके कई बुक्स, कल्चर, साइंस, ड्रामास को लिखा हुआ है और एक बड़ा प्रूफ दिया है। इस लेवल पर उन ड्रग्स को यूज कर लेना एक बड़ा चैलेंज है, जिसमें अभी भी रिसर्चेस लगातार चल रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।